वेलकम टू माय चैनल आई एम सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास ट्वेल्व इंग्लिश फ्लिमिंग बुक का चैप्टर द रैट रैप ये जो तो चैप्टर है इसकी राइटर कौन है गाईज? इसकी राइटर है सेलमा लैगुलॉफ और ये जितनी भी जो है स्टोरीज लिखती है उसमें ज्यादातर पता है इनका मैसेज क्या होता है इनका मैसेज और थीम ये रहता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे अगर हम सामने वाले के इंसान जो है अच्छे से पेश आएंगे तो शायद अगर सामने वाला इंसान ईवल भी है तो उसकी इवलनेस आ जाए ये अपनी हर स्टोरी से ये मैसेज देती है कि अगर हमारा काइंड बिहेवियर रहेगा अगर हम सामने वाले से अच्छा व्यवहार करेंगे तो शायद अगर वो एक गलत इंसान भी है शायद अगर वो ईवल है तो वो कुछ सुधर जाए हमारे अच्छे बिहेवियर को देख के और आज ऐसी एक कहानी हम पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक पुअर रैट रैटरैप सेलर के बारे में रैट रैट्रैप क्या होता है चूहे का, का पिंजरा एक आदमी है उसका घर नहीं है कोई ठिकाना नहीं है उसको जो है कभी चैप्टर में वेगा बोलेंगे कभी ट्रैप बोलेंगे कभी स्ट्रेंजर बोलेंगे अलग अलग नामों से हम उसे बुलाएंगे हमें उसका नाम भी नहीं पता चलेगा क्या है वो इधर से उधर जो है घूमता रहता है अपने चूहे ले के लेके उन्हें बेचने के लिए जैसे तैसे करके वो अपना पेट पाल पाता है ठीक है तो ये जो राइटरेप सेलर है इसके अंदर से ईवेलनेस इसने गलती करता है ये तो वो ईवेलनेस इसके अंदर से निकालती है एक एडला नाम की लड़की वो सब आपको चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी सीख देता है हमारे को ये चैप्टर तो ये जो चैप्टर है ये एक फेरी स्टेल स्टाइल में लिखा गया एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फेरी स्टेल स्टाइल मतलब क्या हुआ फेरी स्टेल फेरी टेल मतलब हुआ जैसे बचपन में हम कहानी पढ़ते थे तो वो शुरू होती थी वंस अपॉन अ टाइम से तो ये चैप्टर भी ऐसे ही शुरू हुआ है वंस अपॉन अ टाइम से तो चलो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर

चूहे के पिंजरे बनाता था और उन्हें बेचता था बट गाइज उसका जो ये बिज़नेस था ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था वो ज़्यादा पैसे इससे नहीं कमा पाता था तो इसीलिए उसको अपनी बॉडी और अपनी सोल को साथ में रखने के लिए यानी कि अपने शरीर को आत्मा से जोड़े रखने के लिए अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अपना पेट भरने के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसको कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी ऐसे कोई डाके वाके नहीं डालता था कुछ छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी और उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी यानी कि वो इतनी गरीबी की ज़िंदगी जीता था रायटरा बेचता था बिज़नेस था उसका बट वो चलता नहीं था या अगर कभी बिकते भी थे तो इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि अपना पेट भर सके तो उसे कभी कभी चोरी भी करनी पड़ती थी कभी कभी भीख भी मांगनी भी पड़ती थी अगर हम उसकी अपियरेंस देखें तो रैक्स पहन रखे रैक्स होते बहुत फटे पुराने गंदे मेले से कपड़े वो पहन के घूमता रहता था जैसे तो उसके जो है यहाँ गले में इतने सारे जो रेट्रैप्स होते हैं ना वो इधर से उधर झूल रहे होते थे पूरा डैंगल्स कर रहे होते थे वो और जो है वो इधर से उधर घूमता रहता थे उसकी चीक्स बिल्कुल ऐसे संकिन थे बहुत पतला सा था वो हड्डियाँ दिखती रहती थी उसकी और उसकी आंखों में भूख दिखाई देती थी कोई इसका दोस्त नहीं है ना ही इसका घर है कोई ऐसा नहीं है जिसको ये अपना कह सके तो ये इधर से उधर रास्तों में घूमता रहता था वॉन्टर करता रहता था तो एक दिन इसके दिमाग में आती है एक लाइन ऑफ थॉट भाई एक दिन बन जाता है हमारा सेलर क्या एक फिलोसफर प्रॉपर एक ऐसी थिंकिंग आती है इसके दिमाग में जो एक बिल्कुल ही आप कहो आप कहोगे हाँ भाई ऐसा तो होता है एक फिलोसफर बन जाता है हमारा रैटराइब सेलर क्या सोचता है ऐसे घूमते घूमते सोचने लगता है कहता है देखो जैसे मैं ये चूहे का पिंजरा बनाता हूँ और इसमें क्या होता है इसमें लोग क्या लगा देते हैं बेट लगाते हैं जो वो कीड़ा लगाते हैं ना मछली पकड़ने के लिए और जो चूहों को पकड़ने के लिए हम घर पर रोटी के ऊपर घी लगा के लगाते हैं ब्रेड के ऊपर घी लगा के बाहर के देश में लोग चीज़ और पोक लगाते हैं तो वो जो लालच दी जाती है ना चूहे को कि वो पिंजरे में बंद हो जाए या मछली के लिए दाना डाला वो कीड़ा लगा के भेजा जाता है

भागदौड़ में लग पड़ते हैं क्या पहले अच्छा स्कूल से पढ़ना है फिर अच्छी जॉब चाहिए नया वाला चाहिए ऐसी के, और के पीछे इंसान भागता रहता भागता है भागता रहता है तो रैट रैटरैप सेलर सोचता है कि भाई हम कौन सा डिफरेंट हुआ जैसे चूहा रोटी के लिए राटरैप में आके बंद हो जाता है वैसे ही हर एक इंसान इस दुनिया का क्या करता है वो वर्ल्ड के राटरैप में इन चीजों, के पीछे, चीजों के, के पीछे भागते रहते है मटीरियलिस्टिक चीजों के जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सरल भाषा में कहते हैं सब मोह माया है सब मोह माया के पीछे भागते रहते हैं तो ये बात वो सोचता था और जब भी वो खाली बैठा होता था ना बोर हो रहा था तो वो ये बातें सोचता था उसे काफी इंजॉयमेंट मिलती थी वो सोचता था अरे हाँ उसके साथ भी ऐसे हुआ था ऐसे पीछे पीछे भाग रहा था उस लालच के फिर उसके साथ जो है रात बंद हो गया तो उसके साथ ऐसे हुआ था तो लोगों के बारे में ऐसे बुरा सोच के कि इसके साथ गलत हुआ तो इसके साथ गलत हुआ तो उसे थोड़ा सा खुशी मिलती थी क्योंकि लाइफ में कभी उसने उसे किसी ने समझा नहीं तो ऐसे सोच के वो अपना टाइम पास करता रहता था अब एक बारी की बात है अब एक बार बता देती हूँ बिफोर कंटिन्यूइंग द चैप्टर ये जितने भी नोट्स है गाइज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको एनसीईआरटी जो है ये देख लो ये एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है. हैं आप बस एक बार नोट्स को रीड कर लोगे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है ये सारे के सारे नोट्स आपको मेरे चैनल के कम्युनिटी पे मिल जाएंगे आप यहाँ देख सकते हो हर चैप्टर की गिवन है जाके चेक कर लेना तो आप आते हैं वापस चैप्टर पे तो एक बार एक बात होती है रात्रि आप रात को अकेला घूम रहा होता है बेचारा उसके घर नहीं है तो इधर से उधर घूमता रहता है तो उसको एक ग्रे कलर का ना कॉटेज दिखता है ठीक है उसे देखता है ग्रे कलर का कॉटेज और बहुत ठंड हो रही होती है तो वो सोचता है नॉक करके पूछे तो क्या ये मुझे यहाँ पे एक रात रुकने देंगे सो दैट वो शेल्टर में रुक जाए बाहर बहुत ठंड थी ये जो स्टोरी है ये स्वीडन की है वहां बहुत ठंड होती है ठीक है तो वो नॉक करता है बट यूजअली जब भी वो नॉक करते किसी के दरवाजे पर तो लोग सड़े हुए मुंह बनाते हैं हाँ निकलो निकलो कौन नॉकड़ा तुम्हें ऐसे टाइप से बट आज बड़ा अलग होता है आज जब वो नॉक करता है दरवाजे पर तो उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है उस घर का जो ओनर था उस घर का ओनर एक बूढ़ा आदमी था उसकी वाइफ नहीं थी उसके बच्चे नहीं थे तो वो अकेलापन फील करता था तो उसे लगा कोई नहीं भैया एक ट्रैम्प एक सड़क छाप इंसान ही सही जिसका कोई घर ठिकाना नहीं है कब आ रहा ही सही कोई नहीं मैं आज ऐसे अपने घर आ जाता हूँ ये मेरे घर आ जाता है मैं इससे बातें बातें कर लूँगा तो आप देख सकते हो कि वो कितना लोन लिया कि उसने उस आदमी को अपने घर में एक्सेप्ट कर लिया और फिर जैसी जो है हमारा ब्राड्राइव सेलर उसके घर में जाता है तो वो जो आदमी था ना जिसने अपने घर में बुलाया था बूढ़ा आदमी वो बड़ा अच्छा था वो ना उसको इतना अच्छे से ट्रीट करता है हॉस्पिटैलिटी करता है वो उसके लिए ना पॉरिज दलिया चढ़ा देता है ठीक है जैसे आपके घर में कोई आता है आप चाय बनाते हो तो वो दलिया बनाने रख देता है और फिर वो उसको दलिया खिलाता है उसके बाद दलिया के बाद क्या करता है टोबैको रोल लेता है ठीक है तम्बाकू का पूरा रोल लेता है उसको कट करता है बड़ा सा बिग रोल लेता है बिल्कुल उसका उसको कट करके थोड़ा सा उसको दे देता है पाइप स्मोक करते थे भाई पुराने ज़माने के लोग ये ठीक है तो वो पाइप उसको थोड़ा सा दे देता है खुद और दोनों स्मोक करते हैं ठीक है फिर वो इतना ज्यादा फ्रेंडली होता है वो उसको क्या करता है फिर अपने लिए कार्ड्स निकाल के लाता है पत्ते होते हैं ना पत्ते निकाल के लाते हैं वो मेजोलिस नाम का गेम खेलते हैं हैं वन मार्कर्स में ये सब आ सकते हैं। तो काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है वो ओल्ड मैन हमारे रेट्राइव सेलर को फिर वो उससे बातें करते करते इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी पर्सनल बातें हमारे राट्राइव सेलर से शेयर करनी सा करता है क्या बताते हैं उसको कि भाई जब मैं जवान था ना मैं वहां काम करता था रैम्स जो कि आयरन मिल पे यानी कि जहाँ पे आयरन मिल थी वहाँ पे मैं काम करता था और मैं वहाँ पे क्रॉफ्टर था तो पूरे चैप्टर में हम इस बूढ़े आदमी को क्या बोलेंगे क्रॉफ्टर क्रॉफ्टर का अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो भी ऐसे ही आएगा कि राइटरैप जब क्रॉफ्टर के घर पे गया था राट्राइफ सेलर तो उसने उसे कैसे उसका ध्यान रखा था कैसे उसे ट्रीट करा था तो अच्छा अच्छा ट्रीट कर था ये सब आप बता देना ठीक है तो वो बताते भाई जो मैं जवान था ना तो मैं क्रॉफ्टर था वहाँ काम करता था बट अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ मेरे में जो है इतनी एनर्जी नहीं है मैं इतना स्ट्रांग नहीं रहा हूँ अब कि भैया मैं वहाँ पर काम करूँगा आयरन मिल पर तो अब जो है मैंने एक गाय है मेरे पास और मेरी गाय बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इतना अच्छा दूध देती है वो अभी पिछले महीने मैंने तीस करोड़ कमाई है उस गाय का दूध बेच के तो वो अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर करता है वो बड़ा खुश होकर बताता है कहता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ मैं वहां आर मिल पर काम नहीं कर पाता तो मेरी गाय है बड़ी सही गाय है मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतना अच्छा मिल्क देती है वो कि भाई इतना पैसा मुझे प्रॉफिट कमा के देती है तो तीस करोड़ जैसी वो बताता है कि मेरी गाय ने मुझे प्रॉफिट कमा के दिया है दूध से तो भाई जो वो था ना हमारा स्ट्रेंजर पेडलर ट्रैप कुछ भी आपको वो ऐसे देखता है कि अच्छा भैया गाय का दूध बेच के तीस करोनर कमा ली उस जमाने के हिसाब से तीस करोनर बहुत जाते हैं अब नाउ वट इज़ करोनर जैसे हमारी करेंसी है रुपीज़ ये जहाँ रहते थे उनकी करेंसी क्या थी करोनर थे तो वो बड़ा हैरान होता है यहाँ से झूठ बोल रहा था रैट ट्रैप की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि वो क्रॉफ्टर की बात पर बिलीव नहीं कर रहा रैट ट्रैप सेलर की शक्ल देख के तो वो क्रॉफ्टर कहता है अच्छा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना रुको बताता हूँ वो उठता है उसके घर के पे ना एक खिड़की लगी हुई थी खिड़की पे ऐसा एक पाउच सा टंगा था वो उस पाउच को निकालता है ठीक है और तीस करोनर निकाल के दिखाता है तीस करोनर कैसे थे दस दस करोनर के तीन मिलते जैसे मैं आपको कह रही हूँ तीस रुपए, तो मैंने क्या कहा दस दस के तीन नोट थे तो समझो आप तीस करोनर थे तो मतलब दस दस के तीन

क्रॉफ्टर अपने रास्ते कुछ ही देर बीतती है क्रॉफ्टर के घर के बाद फिर आ जाता है बट घर के दरवाजे पे नॉक नहीं करता ऊपर जाता है विंडो पे और हाँ वही चोरी कर लेता है उसके पैसों को वो विंडो को ऐसे तोड़ता है काच को उस पाउच में से पैसे निकालता है अपनी जेब में डालता है वापस पाउच टांग देता है और चल पड़ता है और रास्ते में चलते हुए अपने आप को बहुत तीस मार खा समझ रहा होता है कि भाई मैं तो बड़ा बढ़िया वाला चोर निकला मैंने तो उसके यहाँ पे चोरी कर लिया वॉज फीलिंग प्राउड ऑन कि भाई मैंने तो तीस करोड़ चुरा ली अब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो सोचता है मैं पब्लिक हाईवे नहीं लेता हूँ क्योंकि गाइज अगर वो पब्लिक हाईवे लेता तो शायद वहाँ पुलिस उसकी चेकिंग कर लेती और वो पकड़ा जाता तो वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझता है और कहाँ चला जाता है एक फॉरेस्ट का रास्ता वो पकड़ लेता है ठीक है अब जैसे ही वो फॉरेस्ट में जा रहा होता है अंधेरा होने वाला

खतरा हो जाता कि कोई आ जाता वहां पे तो वो बहुत डर जाता है अब उसको अपनी गलती रियलाइज होती है वो कहता है है कि कि मैं बड़ा सोचता था ना लोगों के बारे में कि ये दुनिया रैट है और लोग लालच के पीछे फंस जाते हैं आज मैं ही रैट्रैप में फंस गया हूँ उसको क्या लगता है कि ये पूरा फॉरेस्ट अब रैट्रैप बन गया है कहता है पेड़ जो है ना पेड़ की जड़ें और पूरा का पूरा पेड़ ने ऐसा लग रहा है मुझे भूल भूलैया में जब लिया है अब मेरा दिन खत्म भैया मेरी गलती हो गई वो जो तीस करोनर थे वो मेरा लालच था मैं उसके चक्कर में पड़ गया मैं तो गया ठीक है बहुत थक जाता है सोचो आप कितनी देर से जंगल में अकेला घूम रहे हैं ठंड हो रही है इतनी रात को बहुत थक जाता है और आराम से वो जो इतना थक जाता है कि वो अपना सर जो है ज़मीन पर रख देता है ठीक है ऐसे अपना जैसे ही वो बहुत बिल्कुल टायर्ड होता है अपना सर ज़मीन पर रखता है तो उसकी आवाज़ आती है आवाज़ आती है उसको लोहे चलने की लोहे को पीटने की ना हैमर चलने की उसे आवाज़ आ रही होती है अपने कानों में तो वो सोचता है अरे ये कैसी आवाज़ है तो तभी उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ शायद पास में ना एक आयरन मिल है गई वो वही आयरन मिल है जिसमें क्राफ्टर काम करा करता था उस आयरन मिल का नाम क्या है रैम्स जो आयरन मिल तो जैसी उसे आवाज़ आती है तो उसे कुछ उम्मीद की किरण लगती है कि अच्छा ठीक है मैं वहाँ आयरन मिल पे जा सकता हूँ वहाँ पे जाके मैं शेल्टर सीक कर सकता हूँ मैं बच जाऊँगा उसमें हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी उठने की जैसे तैसे करके वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर करता है और आयरन मिल तक पहुँचता है अब आयरन मिल में क्या था आयरन मिल में रात हो रही थी बट बहुत ज़ोर शोरों से वहाँ पर काम चल रहा था बड़े बड़े पंखे थे उनमें से हवा आ रही थी और बाहर बारिश हो रही थी तो टीम पर पटर पटर आवाज़ आ रही थी बारिश की और एक आदमी जो है हर थोड़ी देर बाद ना इतने बड़े से वैसे में लोहा पिघल रहा था उसको आके ऐसे स्टर कर रहा था चार गोल की आवाज़ आ रही थी ये मैं आपको फौज का जो है अंदर का सिनेरियो बता रही हूँ फॉर्ज क्या होता है जहां पे लोहा पिघल रहा होता है ना आयरन मिल में उसको फौज कहते हैं तो फौज के अंदर बहुत शोर शराबा था सारे वहां के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे तो वो एक लड़का बार बार जाके ना गर्म लोहे को ऐसे ऐसे पिघला रहा था ठीक है बहुत हीट थी वहां पर काफ़ी गर्म जगह थी तो इतनी ज्यादा वहाँ पे शो शराबा हो रहा था कि जो वहाँ के ओनर जो काम कर रहे थे ना वो लोग आयरन मास्टर वगैरह उनको पता नहीं चलता है कि जो पेडलर है वो वहाँ अंदर एंटर हो चुका है तो पेडलर अंदर जाके वहाँ फौज के आगे अपने हाथ ऐसे सेक रहा था फर्नीस हाँ रहा, रहा था उसको उतनी ठंड लग रही होती है तो फिर इतने में ही जो वहाँ पे लोग जो काम कर रहे थे ब्लैक स्मिथ जो था वहाँ का मेजर वाला वो उसको देखता है तो उससे परमिशन मांग लेता है राइटर ऑफ सेलर के हाथ मैं यहाँ रुक जाऊ रात को तो वो उसको ऐसे सर हिला के बस कहते हैं हाँ रुक जाओ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता कि भाई कैसा है तू क्यों आए यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है कोई बात नहीं करता है क्योंकि रोज़ उसके साथ ऐसा होता था कोई ना कोई गरीब इंसान अंदर आते रहते थे रात को शेल्टर सीख करने के लिए ठीक है तो वो कुछ भी नहीं कहता और ट्रैम्प को भी हमारे पेडलर को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था उससे गप्पे मारने में वो अभी चुपचाप जाता है साइड में फिर जहाँ पर बिल्कुल भट्टी जल रही थी उसके कोने में एक पिग आयरन उठाते ना वट इज़ पिग आयरन एक रॉ आयरन का पीस उठाते उसे रखता है उसके ऊपर सर रख के तकिया बना लेता है उसे उसके ऊपर सरक के लेट जाता है और फिर जो है मुँह पर अपनी हैड जो होती है वो रख लेता है और सो जाता है आराम से अब इतने में ही क्या होता है उस मिल के जो ओनर थे आयरन मास्टर वो आ जाते हैं वहाँ पर ठीक है तो वो वहाँ पे आते हैं और उनका आने का रात को वहाँ आने का रीज़न क्या था क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस आयरन मास्टर थे उनकी मिलती तो वो ऐसा चाहते थे भैया कि मेरी मिल से ना सबसे बेस्ट वाला जो आयरन है वो पूरे वर्ल्ड में जो है जाए मेरी कंट्री में सबसे अच्छा आयरन मैं बना के भेजूँ तो इसलिए वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते रहते थे कि भाई सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है तो वो जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं कि भैया वो कौन है वहाँ पे उनको रैग्स में लेटा हुआ एक आदमी दिखता है कि भाई उसने ऐसे गंदे से कपड़े पहन रखे तो उसका ध्यान चला जाता है अब वो काफ़ी डिफरेंट थे अपने उस ब्लैक स्मिथ से जो उनके यहाँ पे काम कर रहा था ना उसने तो उससे कोई बात ही नहीं करी टी ट्राम से बट जो ये आयरन मास्टर थे गाइज वो बहुत डिफरेंट थे वो उसको देख के उसके पास जाते हैं और उन्हें वो दिख भी इसलिए रहा होता है जो हमारा राइट्राइफ सेलर है क्योंकि उसके कपड़े ना गीले थे बार बारिश हो रही थी तो अब जब वो भट्टी के बराबर में सो रहा था तो उसके कपड़ों में से इवेपोरेशन हो रहा था तो जो ऐसे धुआं सा निकल रहा था उसके कपड़ों में से तो फिर वो वहाँ जाता है जो उनका ओनर हो गया भाई आयरन मिल का ओनर बड़ा अमीर आदमी है ये वो जाता है और जो हमारा वो राइड्राइफ सेलर सो रहा था उसने अपने मुँह पे एक हैट रखी हुई थी उसके हैट उठाते है उसके मुँह से अब वहाँ पर जैसे वो उसका हैट हटाता है उसके मुँह से वहाँ का बहुत ज़्यादा ना अंधेरा था अंधेरे में भट्टी जल रही थी धुआं धुआं हो रखा था सारे में तो उस एटमॉस्फेयर में जो उसका ओनर था ना आयरन मिल का उसको एकदम से कन्फ्यूजन हो जाता है उसको क्या लगता है कि ये जो रैप सेलर है उसका कोई पुराना आर्मी का दोस्त है वो उसका हैट हटाते हैं और कहता है नील्स ओल्फ भाई तू यहाँ क्या कर रहा है निल्स ओलफ तो उसको क्या लगता है हमारे आयरन मास्टर को जो पूरी की पूरी मेल का ओनर था उसको लगता है कि ये राइट्राफ सेलर हमारा कौन है उसका कोई आदमी का दोस्त है और फिर वो उससे बातें करनी शुरू करते कहते हैं अरे भाई तुझे क्या हो गया ये कैसी हालत में आ गया है तू तो अब इतने में हमारे राइट्राफ़ सेलर के दिमाग में आता है कि भाई ये इतना बड़ा अमीर आदमी मुझे अपना दोस्त समझ रहा है तो क्यों ना मैं इसको ऐसे ही पागल बनाता हूँ मैं ऐसे मना नहीं करता हूँ कि मैं इसका दोस्त नहीं हूँ और ये ऐसा क्यों करता है इसको लालच थी कि अगर ये मुझे दोस्त समझ तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे तो गैस वो इतना गरीब था आई यू गाइज नो दैट वो हमेशा भूखा रह रहता हो तो उसको लगा यार ये मुझे अपना दोस्त समझ रहा है आर्मी का पुराना तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे देगा तो इस लालच में वो मना भी नहीं करता है जब आयरन मास्टर पूछते हैं कि भाई तेरे साथ क्या हो गया तू इस हालत में कैसे आया है तो क्या रिप्लाई करते कहता है हाँ कुछ बुरी चीज़ें हुई मेरे साथ में और इस वजह से मैं ऐसा हूँ ऐसे कर देता है तो अब भाई आयरन मास्टर बहुत कंपैशनेट टाइप के आदमी थे वो कहते हैं अरे मेरे दोस्त तुझे ऐसा कैसे हो गया मैंने अगर रिटायरमेंट ले ली होती ना जल्दी अगर मैं जानती हूँ रिटायर नहीं हुआ तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती अब चलो चलो मेरे घर चलो अब यहाँ पे भैया हमारा रायट्रप सेलर शौक कह रहा भाई ठीक है दोस्ती तक सही था अभी तो मुझे कुछ पैसे दे देते दे, बट मैं तुम्हारे घर थोड़ी जाऊँगा वो डर जाता है कहता है अभी वैसे ही मैं क्रॉफ्टर के यहाँ से चोरी करके आया हूँ अब मैं इसके बंगले पे जाऊँगा तो शायद मैं फंस सकता हूँ तो वो मना कर देता है आयरन मास्क को नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा तो आयरन मास्टर को लगता है कि भाई मेरे दोस्त के ऐसे कपड़े हैं और वो ऐसी हालत में है तो शायद इसलिए ये मेरे घर आने से शर्मा रहा है तो आयरन मास्टर कहता है अरे यार मेरा घर इतना भी कोई बहुत महंगा और आलिशान नहीं है जो तुम शर्मा रहे हो मेरे घर आने से चलो 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 क्रिसमस है वैसे ही चलो मेरे घर चलो वो वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं आयरन मास्टर इतने अच्छे इंसान थे उन्हें लगा अरे मेरा दोस्त है तो भाई मैं तो उसे अपने घर लेके जाऊँगा वो उसे कहते हैं अरे चल लो प्लीज़ चल लो मेरे साथ में तुम्हें पता है मेरी जो वाइफ है एलिजाब उसकी डेथ हो चुकी है मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने गए हुए हैं दोनों लड़के बस मेरी बड़ी बेटी है घर पे एटला और हम तो अभी बात ही कर रहे थे कि भाई हमारे पास क्रिसमस पे कोई है नहीं हम क्रिसमस किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे हमारे पास कोई गेस्ट नहीं है तो देखो तुम तो आ जाओ आज हमारे घर पे क्रिसमस पे हमारे साथ रहना डिनर विनर करेंगे चल भाई चल मेरे घर चल ठीक है तो ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त से मिलते हैं तो वो ऐसे कहते हैं उनको तो लग रहा है रायटराफ सेलर उनका कोई पुराने दोस्त थे वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं बट वो जो हमारा रैट्रैप सेलर था उससे पता था कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को मुसीबत हो सकती है तो वो मना करते नो 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 तो अब आयरन मास्टर भी क्या करे वो वापस मुड़ जाते हैं जाते जाते तो उनका ब्लैक स्मिथ था जो वहाँ पे काम कर रहा था लोहा पर गिर रहा था वो उसको जाके बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ और जाते जाते ना वो थोड़ा हंस रही होते हैं आयरन मास्टर तो उनका जो वो ब्लैक स्मिथ था वो समझ जाता है कि अभी हंसते हुए जाने तो अभी ये कुछ ज़रूर करने वाले हैं और वैसा ही होता है बस कुछ घंटे बीते होते हैं कि बाहर आ जाती है कैरेज की आवाज़ वो घोड़ा गाड़ी होती है ना उसकी आवाज़ आती है काफ़ी अमीर लोग थे ये वो घोड़ा घर की आवाज़ आती है और आती है हमारे आयरन मास्टर की बेटी ये है हमारे चैप्टर की हीरोइन मिस एडला विलियम्सन ठीक है ये जो है ये अर मास्टर की बेटी है ये भी बहुत अच्छी लड़की है दिल से बहुत अच्छी है बहुत काइंड है कम्पैशनेट है दिखने में सुंदर नहीं है बट नॉर्डेस्ट है ठीक है ये आती है अपने वैली के साथ एक फर कोट लेके भैया वैली के साथ आइए मैडम ठीक है वो आती है हमारे फौज के अंदर वो भी जाती है हमारे राइटरअप सेलर के पास उसके फेस पे से वो स्लाउ चार्ट हटा देती है वो भी तो एकदम से ना वो सोया पड़ा होता है हमारा राइटरअप सेलर एकदम से जाग जाता है तो ये चीज़ दिखाई जा रही है कि उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि किसी ने उसके पास भी अगर कोई आता था तो वैसे उठ जाता था वाई गाइज बिकॉज उसने कभी चैन की नींद ली ही नहीं है वो हमेशा सड़कों के किनारे सोता था तो उसे हमेशा डर रहता था अपनी लाइफ का तो वो ऐसे एक आँख खोल के सोता था आप समझो कि जैसे ही किसी के कोई के उसके पास आया तो वो उठ जाता तो वो डर के मारे उठ जाता है तो वो देखता है ये कौन आई है तो वो बताती है कि मैं एडला विलियमसन हूँ मेरे फादर ने मुझे भेजा है एंड आप ऐसे जो है हमारे साथ चलिए क्रिसमस में हम लोग डिनर करेंगे और एडला इतनी ज़्यादा समझदार थी कि जब वो राइट्राफ सेलर को देखती है उसको तो लग रहा था ना कि उसके पापा के दोस्त हैं वो तो पर वो ये बात समझ जाती है कि ये इनकी शक्ल पर ना राइट्राफ सेलर शक्ल पर डर है ये मना इसलिए कर रहा है क्योंकि शायद ये कोई क्राइम करके आया है क्राइम करके आया है मीनू से या तो ये चोरी करके आया है या जेल वेल से भाग के आया है इसलिए ये मना कर रहा है हमारे साथ हमारे घर चढ़ने के लिए तो वो बोलती है रायट्राफ सेलर को कि देखो सर आपको मैं अपने यहाँ डिनर पे बुला रही हूँ आई वॉन्ट कि मेरे फादर चाहते हैं आप चलो आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए और मैं आपको ये भी इंश्योर कर रही हूँ जैसे आप जाओगे जब आपका मन करेगा आप हमारे घर से जा सकते हो मतलब हम इश्योर करती है उनको कि भाई तू मेरे कोई जेल वेल में नहीं तुम हमारे घर से जैसे जाओगे जब मर्जी हो चले जाना तो उसको उसको देख के ही समझ में आ जाता है एडला देखो कितनी समझदार उसको आंखें देख के पढ़ लेती है वो राइट्राफ़ सेलर की कि भैया ये कोई क्राइम करके है इसलिए हमारे यहाँ आने से डर रहा है अब वो लड़की इतने ज़्यादा कंपैशनेट वे में बोलती है कि रैट्राफ सेलर मना नहीं कर पाता लड़की को तो कहता है अरे मिस मुझे तो लगा नहीं था तुम आओगी चलो अब मैं तो मैं क्या मना करूँ चलने लगता है ठीक है वो वैले जो उसने बेकार से कपड़े अपने पहन रखे थे रक्स वो जो है उसके ऊपर फरका कोट पहना देता है और हमारा भैया रैट राट्रैफ सेलर की किस्मत बदल रही है कैरेज में बैठता है और जा रहा होता है उनकी मीनर पे मीनर क्या होता है बड़ा बंगला भाई बहुत अमीर लोगों का होता है वो तो वो मीनर पर जा रहा होता है अब जैसे ही वो कैरेज में बैठ के जा रहा होता है ना इस उसका मन में घबराहट शुरू हो जाती है वो कहते हैं मुझे ईवेल्स फॉर वेडिंग जारी थी ऐसा होता है ना हमारी गट फीलिंग होती है जैसे कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें पहले से ही फील हो जाता है तो रैट राट्राफ सेलर को पहले से ही फील हो रहा था गलती कर दी यार मैंने क्यों चुराए तीस करोड़ मैं फॉरेस्ट में गया मैं ये आयरन मिल में आया अब मैं वहां बंगले पर जा रहा हूं इनके कुछ जरूर मेरे साथ गलत होगा उसको पहले से ही अपने मन में फील हो रहा होता है ठीक है वो लोग वहां पहुंच जाते हैं रात निकल जाती है अब सुबह सुबह की बात होती है आयरन मास्टर और उनकी बेटी जो है बातें कर रही होती है ठीक है रात को ट्राइम वहीं सोया होगा उनके घर पे तो आयरन मास्टर और उनकी बेटी बात कर रही होती है आयरन मास्टर बैठे होते हैं उनकी बेटी जो है टेबल सेट कर रही होती है खाना वाना लगा रही होती है सुबह का तो वो कहते हैं अरे मेरे दोस्त के साथ देखो क्या हुआ है अब तो एक काम करूंगा पहले तो इसको थोड़ी स्किन जो है ना इसकी इस जो जैसा कुछ खाना पीना खिला के इसको थोड़ा सा मोटा ताजा सा करेंगे उसके बाद मैं ऐसे ही राटरा वाटर अपनी भेजने दूंगा मैं इसके लिए एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो वो देखो एक अब मतलब अब लोग अपने के लिए इतना नहीं करते हैं वो अपने किसी पुराने जुड़े हुए दोस्त के लिए सोच रहे कि नहीं भैया मैं ऐसे ऐसी हालत नहीं रहने दूंगा मैं तो भैया इसके लिए बिजनेस लॉन्च करूंगा एक बढ़िया सा मैं अपने दोस्त को ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगा तो एडला इतने में अपने पापा को कहती है पापा मुझे नहीं लग रहा उनको देख के कि वो एजुकेटेड भी आप उन्हें आर्मी का फ्रेंड अपना कह रहे हो तो एडला को अंडर ने थोड़ा सा शक है कि वो जो रैप सेलर है वो कोई एजुकेटेड इंसान नहीं है वो कोई और है एडला को थोड़ा सा शक था तो उसके फादर कहते हैं नहीं बेटा अभी वो नहा धो के आ जाएगा ना वो उसकी ट्रैम्पनेस हटा देगा यानी कि अपनी सड़क छाप वाली जो है पूरी उसके ऊपर जो छवि बनी हुई थी वो बाल ऐसे शेम नहीं हो रखी थी गंदे कपड़े जब वो सब हटा देगा तो उसके बाद वो मेरा दोस्त आ जाएगा चलो चलो वेट करते हैं अब इतने में ही ये होता है जो उनका वैले था वो हमारे ट्रैम्प को ठीक है अब ट्रैम्प बोला गया है ट्रैम्प को तैयार करके लिए आता है अब उसने सूट बूट पहना होता है उन्हीं का सूट पहन रखा होता है उसने आयरन मास्टर का बढ़िया सा और उसकी शेव हो चुकी होती है उसके बाल काट दिए जाते हैं अब वो लग बहुत अच्छा रहता है दिखने में बट आयरन मास्टर का वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्यों नहीं लगता ऑब्वियसली वो पहचान जाते हैं वो उनका दोस्त नहीं है आयरन मास्टर को आता है गुस्सा देख के कि भाई ये तो मेरा दोस्त नहीं है मुझे झूठ बोला आयरन मास्टर कहते हैं कि ये क्या बात हुई तो ट्रैम्प डर जाता है ट्रैम्प कहते हैं सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मैं अपना सूट पहनता हूँ मैं अपने पुराने कपड़े पहनता हूँ फटे पुराने और मैं जा रहा हूँ यहाँ से तो आयरन मास्टर कहते हैं नहीं अब तो तुम तभी जाओगे जब शेरिफ आएंगे शेरिफ मतलब होता है पुलिस अच्छा भाई तो आयरन मास्टर को आ जाता है गुस्सा और बोले तो कहते हैं मैं बिलोंगा शेरीफ को पुलिस को अब रैट रैप सेलर को भी गुस्सा आ जाता है वो कहते हैं भैया है, मैं तो इन्हें सोच रहा था कि मैंने बार बार कहता था मुझे मत लेके जाओ अपने घर एक तो ज़बरदस्ती लाए हैं ऊपर से अब मुझे कह रहे पुलिस में डलवाएंगे ये बात तो वो अपने मन में ही सोच रहा होगा इतने में वो क्या करता है ऐसे अपनी फिस्ट बनाते है और उसे टेबल पर मारते हैं और कहता है कि देखो ये वर्ल्ड ना रैट रैप है आज आपने मुझे इस रैट्रैप में फंसाया अपने घर पर बुलाया डिनर क्रिसमस डिनर ऐसे क्या क्या ज़बरदस्ती बुलाया है और मैं इस लालच में पढ़ के आपके घर आ गया कल को आपके साथ भी ऐसा ही होगा आप भी किसी एक लालच के पीछे फंस जाओगे और तुम भी ऐसी फंस जाओगे जैसे आज मैं इस वर्ल्ड के रायट्रप में फंस गया हूं अब ऐसी बातें कि भैया ये है दुनिया में लालच में फंस गया ऐसी जब मास्टर ने एक ऐसे वेगाबाउंड से सुनी एक ऐसे ट्रैम्प से सुनी तो उन्हें बड़ी हंसी आ जाती है उन्हें बड़ा कॉमिक लगता है कि भैया ये क्या साइकोलॉजी है बंदे की इसने तो बड़ी बढ़िया बात कही है कि मैं लालच के पीछे भागा मैं फंस गया कल को तुम भी भाग सकते हो डर जाता है वो तो वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है हम शेरिफ को क्रिसमस पे अकेला छोड़ देते हैं तो तुम जाओ यहाँ से डन जाओ अब इतने में ही एडला विलियमसन जाके घर का दरवाजा बंद कर देती है और अपने फादर को कहती है कि नहीं मैं इसको यहाँ से नहीं जाने दूंगी उसके फादर गए भाई क्या हो गया स्नेमक से ये तुम्हारा क्या कह रही हो तुम तो फिर जो है वो कहती उसको पहले खुद समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों करा दरवाजा बंद क्यों करा फिर वो अपने फादर को समझाती कहती है देखो पापा हम इनको अपने घर खुद लेकर आए हैं ठीक है कि जैसे कि हम ऐसा डिनर करें क्रिसमस सेलिब्रेट करें और हम ऐसे किसी इंसान को अपने घर से क्रिसमस के दिन क्रिसमस मतलब ही होता है गा इस गुड थिंग्स करना पॉजिटिविटी फैलाना और वो कहती है कि अब हम किसी को जिसको हम खुद इनवाइट करके लाएं उन्हें अपने घर से धक्के मार के निकाल दें नो फादर मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ वो अपने फादर को समझाती है वो कहती है देखो ये जो है ना ये एक पेडलर है पेडलर मतलब इधर से उधर घूमता रहता है इसका कोई घर नहीं है कोई ठिकाना नहीं है कोई एक दिन ऐसी नहीं होगी जिस दिन इसने चैन की सांस ली होगी तो क्या ये डिज़र्व नहीं करता कि क्रिसमस पर ये एक दिन आराम कर सके तो उसके फादर भी सोच रही होते हैं। मतलब वो सब कुछ मना नहीं कर पा रही होते हैं वो तो एडला समझ जाती है में कि मेरे पापा मेरी बात मान चुके हैं तो उसके फादर कहते हैं उसको यू टीच वर्स देन अ पार्सन यानी कि तुम तो मतलब कि जो मतलब प्रीस्ट होते हैं ना जो उनसे भी बढ़िया तरीके से प्रवचन देती हो मैं तुम्हारी बात मान चुका हूँ ठीक है तो वो उसकी अपनी बेटी की बात मान जाते हैं और वो उसको वहाँ पर रोकने देते हैं एडला उसको ट्रैम्प को हमारे हाथ पकड़ के वहाँ टेबल पर बिठा देती है और उसे खाना देती है वो सोच रहा होता है अपने मन मन में एक कैसी लड़की है ये मुझे अपने घर पर रख लिया इसने तो बड़ा हैरान होता है बट उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये लड़की ने मेरी बात समझी और मुझे ऐसे घर से निकाला नहीं उसे काफ़ी बिलीव नहीं होता है इस बात पर फिर पूरे क्रिसमस जो है जैसे कि प्रोमिस किया गया था सेलर को वो वहीं पे रहता है वो पूरा दिन वहां पे क्या करता है गाईस? वो कुछ नहीं करता वो पूरा दिन वहां पे सोता रहता है क्रिसमस वाले दिन पे उनके गेस्ट रूम में जो एक सोफा था वहां पे हमारा स्ट्रेंजर जो है पूरा दिन सोता रहता है जब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो उसको उठाया जाता है वो आके ब्रेकफास्ट कर लेता है फिर दोपहर में जब खाना खाने का टाइम होता है तब उसे बुलाया जाता है तब वो खाना खा लेता है शाम को जब कैंडल्स जलानी होती है क्रिसमस की तब उसे बुलाया जाता है तब वो आता है नीचे डिनर करता है और फिर जो है डिनर के समय पर क्या होता है उसको जो है सब एक दूसरे को ट्रीट करके जब वापस जा रहे थे तो एडला आगे हमारे सेलर को कहती है कि ये जो कोट है ये जो सूट बूट है जो आपने पहना हुआ है ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए और अगर आप चाहो तो अगले क्रिसमस पे भी ऐसी आके हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हो तो एक्चुअली में क्या कर रहा था उस राट सेलर ने वो पूरा दिन उनके घर पर सोता रहा सोता रहा चैन की नींद ले रहा था और अच्छा खाना खा रहा था तो ये चीज ये दिखाया जाता है कि भैया वो राट्रफ सेलर जो था वेगाउंड जिसका कोई घर ठिकाना नहीं था उसको एक दिन चैन की नींद भी नहीं मिली थी तो वो पूरा दिन वहां पर सोता रहा ठीक है अब सुबह हो जाती है क्रिसमस डे खत्म हो जाता है अगले दिन क्रिसमस की सुबह होती है तो वो जो एडला होते हैं उसके पापा होते हैं वो तो सुबह सुबह चर्च चले जाते हैं जो पेड स्ट्रेंजर था वो घर पे सो रहा था वो उसको नहीं जगाते हैं तो वो दोनों पापा बेटी चले जाते हैं जब वो वापस आ रहे होते हैं चर्च से दस बजे के करीब तो एडला गाड़ी में मुँह लटकाए बैठी होती है ठीक है वो ऐसे बहुत परेशान होकर बैठी होती है क्योंकि उन्होंने वहाँ चर्च में बात सुनी थी कि अभी एक दो दिन पहले क्रॉफ्टर के घर पर एक राट्राफ सरण ने तीस करोनर चुराए हैं उन्हें ये बात पता चल गई थी कि जिस आदमी को उन्होंने अपने घर पर एज़ गेस्ट रखा है वो एक चोर है उसके फादर जो हैं आयरन मास्टर एडला को बोलते हैं हाँ और रखो तुम ऐसे इंसानों को घर पर पता नहीं जब हम घर जाएंगे तो कितनी चांदी की चमचे वहाँ बची होंगी ऐसे वो उसको बोलते हैं और वो घर पहुँचाते हैं वो घर पहुंचते हैं वो वैले से पूछते हैं है तो नहीं है, मास्टर हैं। तो वैले बताते है नहीं। उसने कुछ नहीं चुराया है, वो चला गया है इनफैक्ट वो एक गिफ्ट दे के गया था एडला के लिए ओके okay, तो फिर एडला उस गिफ्ट को अनरैप करती है वो जल्दी से अनरैप हो जाता है और जो है उसके अंदर एक छोटा सा क्या था चूहे का पिंजरा था जो उसने खुद बनाया था ठीक है और उसमें तीस करोना थे वही पैसे जो उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराए था वो वापस कर देता है

जैसे गरीब लोगों के लिए तो उसको ये आप वापस कर देना और बाद में थैंक यू करता है एडला को फिर से कि थैंक यू तुमने मुझे इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में जो है फंसने से बचा लिया ये गिफ्ट एक रैट की तरफ से अपने आप को वो चूहा बोलता है कहता है ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है और थैंक यू तुमने मुझे इस ट्रैप में बचने से बचा फंसने से बचा लिया है और एंड में क्या लिखता है विद फ्रेंडशिप एंड रिगार्ड्स और साइन क्या करता है कैप्टन वॉन्स टेहल तो वो अपना असली नाम बता के तो देखो एडला को नहीं चाहता है जैसे एडला ने उसे कैप्टन की तरह ट्रीट करा तो वैसे ही वो लेटर भी कैप्टन वाले तरीके से ही लिख के जाता है एंड में साइन करता है कैप्टन वॉन्स टेल तो एग्जाम के लिए आप याद रखना एंड में क्या लिखा था ये देखो ये रही लेटर की फोटो एंड में इस तरीके से उसने लिखा था और ये चीज़ शो करती है कि एडला के काइंड बिहेवियर ने एक सड़क छाप इंसान को जिसका कोई घर नहीं है ठिकाना नहीं है जिसने चोरी करी है उसको बदल दिया उसकी काइंड बिहेवियर उसे लगा इसने मुझे कैप्टन वाली इज्जत दी है तो मैं क्यों गलत तरीके से व्यवहार करूं मैं क्यों एक चोर वाला व्यवहार करूं और वो बदल जाता है और यहां चैप्टर एंड हो जाता है और का मैसेज भी यहां पे पूरा हो जाता है तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो नोट्स आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगे बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो क्लास टेन इंग्लिश की प्ले में क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश की प्ले लिस्ट है अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं एक्सट्रैक्ट बीस क्वेश्चन देखने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट पैटर्न के लिए तो उसके लिए क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का रिविजन गिवन है वहां से आप देख सकते हो बाय टेयर एंड बेस्ट ऑफ लक